हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। ये वीडियो एडा के ऊपर, कार्डानो के ऊपर एक क्विक अपडेट वीडियो होगी, प्राइस प्रेडिक्शंस को लेकर, प्राइस एनालिसिस को लेकर। और यहाँ पर बात कर लेते हैं एडा को लेकर। देखिए, मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था 1.68 का, और वो एक लेवल, ऐसा की लेवल है जिसको मैं देखूंगा अभी आने वाले समय में भी। लेकिन फिलहाल के लिए एडा ने काफ़ी अच्छी एक खुशखबरी का साइन दिया है, बट मे बी ये साइन गलत भी हो सकता है एंड BTC हो सकता है इसको और गिरा दे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे लग रहा है BTC के हिसाब से, क्योंकि BTC 42K 43K को रीटेस्ट कर सकता है। मैंने आपको एक BTC के अपडेट में बताया था, तो उसकी वजह से हो सकता है एडा ये वाली एंट्री छोड़े ना, ठीक, या फिर आपको ये एंट्री मिलनी चाहिए अगर दूसरी भाषा में कहें तो। आप देखिए, यहाँ पर 25% का जो रिट्रेसमेंट मैंने बोला था वो यहाँ पर होगा $1.7 के आसपास, और जो 10% का होना था वो तो हो गया इस जगह पे आके $2 के आसपास, ठीक। तो ये वाली एंट्री तो आपको मिल गई होगी, और यहाँ से आपने प्रॉफिट भी कमाया होगा ऊपर आके 2.15 में। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपने प्रॉफिट कमाया होगा, वरना छोटा मोटा प्रॉफिट आपका सिंगल डे में एक अच्छा खासा बना होगा, ठीक गाइस। तो यहाँ पर अगर आप देखा भी दूँ मैं आपको कि यहाँ पर से कितना प्रॉफिट नॉर्मली बन सकता था, तो 10-11% का प्रॉफिट तो मामूली है। चलिए, अब वो चैनल पे मामूली हो गया है, अब तो प्रॉफिट अपना 91-33% ऐसे प्रॉफिट होने लगे हैं। हाँ, इससे याद आया कि कल मैंने टेलीग्राम पे आपको AVAX की अपडेट दी थी और AVAX के बारे में बताया था, और जस्ट कल ही AVAX ने पंप ले लिया काफ़ी अच्छा, और वो जो पंप था वो एकदम उसी पैटर्न में था जो मैंने आपको बताया। क्या पैटर्न था? $40 की ओर बढ़ने का मैंने पैटर्न बताया था, और AVAX अभी करेंटली $30 चल रहा है। मैंने आपको वैल्यू बताई थी, किस समय बताई थी? $24 पे। तो AVAX ने अभी 33% का प्रॉफिट आपको एक सिंगल दिन में दे दिया है। आप अगर टेलीग्राम पर नहीं हो तो आपने ये चीज़ मिस करी होगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पर जल्दी अपडेट मैं दे सकता हूँ बजाय वीडियो के, क्योंकि वीडियो अपलोडिंग में टाइम लगता है, उतने समय में मेजर पॉइंट्स निकल सकते हैं, हो सकता है कॉल्स निकल जाएं, हो सकता है रेजिस्टेंस सपोर्ट निकल जाएं। तो इसलिए मैं बताता हूं कि टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पे आपको जल्दी अपडेट्स दे सकता हूं मैं। अब चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आए हो, और वीडियो को भी लाइक करना, टेलीग्राम से जुड़ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगी इंपॉर्टेंट, वो सब भी देख लेना एक बार। तो ये हो गया एडा का। सबसे पहली चीज़ जो एडा का साइन ऑफ रिकवरी मैंने बोला आपसे, वो बोला कि एडा ने करेक्शन लिया 3 कैंडल का, और काफ़ी अच्छा करेक्शन लिया मेरे ख्याल से, एक हेल्दी करेक्शन यही है 10% का, ठीक। उसके बाद एडा ने एक ग्रीन कैंडल, कल की ग्रीन कैंडल बन गई, और ये कैंडल आप देखोगे ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, ठीक। जितने लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लिया हुआ या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखा है थोड़ा बहुत, तो जानते होंगे ये बुलिश इनगल्फिंग बनी पिछली वाली से। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये आज की कैंडल है, और आज की कैंडल डिसाइड करेगी कि ये बुलिश इनगल्फिंग थी या नहीं थी। तो आज की कैंडल भी अगर ऊपर होती है क्लोज, यानी कि इससे ऊपर क्लोज होती है, या फिर इसके हाफ से, यानी कि $2 के ऊपर ही क्लोज होती है, ठीक, $2 के ऊपर आज की कैंडल भी क्लोज होती है, तो मेरे ख्याल से एडा ऊपर जाएगा, ठीक, डिस्पाइट कि बिटकॉइन नीचे गिर रहा है। मैंने आपको बताया था कुछ ऑल्टकॉइंस ऐसे होते हैं जिनके होल्डर्स इतने स्ट्रांग होते हैं, या फिर जिनके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो बिटकॉइन के गिरने में भी बाकी को उठा ले जाते हैं। जैसे कल देखिए, AVAX सारी मार्केट डाउन थी, AVAX ऊपर था, 24% तक ऊपर चला गया था, ठीक। तो एक तो ये चीज़ हो गई मैंने आपको बताई, और दूसरी चीज़ ये कि आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो ऊपर गई, ये अगर नीचे आती, $2 से ऊपर रहती है, तो थोड़ा पॉजिटिव साइन होगा, और ये ऊपर जाएगी, ऊपर कितना जाएगी, फिर एडा कंटिन्यू कर सकता है अपनी जर्नी टुवर्ड्स $2.4, जो कि शायद इसका ऑल टाइम हाई था। हाँ, ये ऑल टाइम हाई लेवल है हमारा, हाँ। तो $2.47 वाला जो लेवल है, अब बस वही रह गया एडा का, उसके बाद वो अपना खुद का ऑल टाइम हाई बना देगा अपना। तो ये एक चीज़ थी जो आपको देखनी है, और ये देखनी कि आज की कैंडल जो है वो $2 से ऊपर क्लोज हो। आज की कैंडल आप कैसे देखोगे? डेली कैंडल में जाना बाइनेंस की ऐप में, या फिर आप WazirX में देखना और डेली कैंडल देखना एक दिन की, उसमें आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगर ये $2 से नीचे क्लोज होती है, तो मैं ये 100% श्योर होकर 90% तो एटलीस्ट कह सकता हूँ कि ये जो है इसको नीचे आना पड़ेगा फिर 1.7 के आसपास, क्योंकि देखिए दूसरा कोई चारा नहीं। BTC रिट्रेस कर रहा है अभी, BTC भी नीचे है, BTC साइन दिखा रहा है कि वो नीचे आके करेक्शन ले रहा है 43 to 42K में, ठीक है। एक बार
और रीटेस्ट करेगा, और वो रीटेस्ट करने आएगा तो ऑल्ट्स ब्लीड करेंगे, और अगर इसने शो कर दिया कि ये भी ब्लीड कर रहा है, इसके ओल्डर्स नहीं संभाल पा रहे हैं, तो साफ बात है कि ये नीचे आएगा और लुढ़क के यहीं इसी लेवल के आसपास आना चाहिए, $1.7 के आसपास। ठीक, तो ये अगर इस लेवल पे आता है तो आपकी बाइंग, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको एडा सेल नहीं करने अपने अभी और बाद में ख़रीद लेना, ये चीज़ कभी मत करना। ये चीज़ मैंने बहुत लोगों को बोली है, ये कोई तरीका नहीं होता क्रिप्टो में रहना, तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप सेल कर दो और फिर, ये तो तब करोगे ना जब आप स्कैल्पिंग करते हो, मैं इन्वेस्टिंग सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ ली, उसके बाद आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको और सस्ते में एडा मिलेगा, तो आप एक्यूमलेट करोगे, अपना एवरेज करोगे, फिर हम बैठेंगे आराम से फुर्सत से अपनी बाइंग करके, और उसके बाद हम बस वेट करेंगे कि एडा कब 2.4847 जाता है, क्योंकि अगले महीने जब लोग फोमो में आना शुरू करेंगे, हम लोग अभी से लेके बैठे होंगे नीचे पे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक, एडा का बड़ा इवेंट है, छोटा मोटा इवेंट भी नहीं है, तो एडा को ऊपर तो जाना है, और ये इवेंट जो है मिस ना होने पाए, इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, अभी से एडा को नीचे से लोएस्ट लेवल पे बाय करना होगा। ठीक है, तो एडा आपके पास जितने भी हैं आप और एडा ले सकते हो 1.7 के आसपास, तब जब ये आज की कैंडल $2 से नीचे क्लोज होगी, तब रेड कैंडल आज की होगी, अगर रेड नहीं होती है ऊपर की ओर होती है तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव साइन अभी से दिखने को मिलेगा, तब मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा बाइंग, और आपको पंप में कभी मैंने सजेस्ट नहीं किया, मैं आपको डिप में ही बाइंग सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि डिप में ही प्रॉफिट बनाने का सबसे अच्छा गारंटीड वे होता है। अब करते हैं INR में बात कर लेते हैं गाइस, INR यानी कि इंडियन रुपीज़ में बात करते हैं, जो कि वज़ीरेक्स में हम लोग चार्ट डिस्कस करते हैं और डेली का ये करते हैं। तो अगर मैं बात करूं INR के मामले में, तो यहाँ पर 164 रुपये दिखा रहा है एडा की प्राइस, और आप देखोगे दो यहाँ पर विक बनी है नीचे आती हुई, और एक 161 पर, एक 162 पर। कल मैं जब आपको एक बता रहा था एडा की प्राइस एनालिसिस, उस समय हम 155-156 पे थे, और कुछ लोगों ने जिन्होंने डिप बाय की होगी उन्हें पता होगा, मैंने आपको 150 का लेवल ऑलरेडी बताया था, आप देखोगे कि ये लेवल आपको मिला है, जो मैंने बहुत पहले ये प्रेडिक्ट करके आपको बताया था 150 के लेवल पे आएगा, वहाँ से देखिए आप रिट्रेस भी हुआ है प्राइस, और ये देखिए आप इस लेवल पे आप देख सकते हो कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वर्कआउट किया है। 150 का ये लेवल है आपका, और अच्छा खासा लेवल है, आप इस पर फोकस कर सकते हो अगर आपको बाय करनी है INR में डिप, तो INR में आपकी जो है प्राइस यहाँ पर रहेगी, और 150 से नीचे की अगर मैं आपको बताऊँ तो 140 पर आप रख सकते हो, 140 भी मैंने आपको बता रखा है कि एक लेवल है अच्छा खासा, और 140 लेवल पर अगर आप लोगे तो फिर वहाँ से भी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, क्योंकि 140 पे मैं ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हूँ, क्योंकि 140 पे यहाँ पर थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन हुआ था 12 अगस्त एक दिन के लिए हुआ था, बट उतना स्ट्रांग ये भी नहीं है अगर हम देखें तो, लेकिन ठीक ठाक है, एटलीस्ट इससे ज़्यादा है आई थिंक। ठीक, तो नेक्स्ट ये हो सकता है, उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली कोई और सपोर्ट नहीं है, तो एक नया सपोर्ट हो सकता है ये कंफर्म करे। यहाँ पर आप ये 140 और 150 के लेवल्स को देख सकते हो, ज़्यादातर यहाँ पर रिट्रेस हुआ तो 140 वाला, और 150 का रिट्रेसमेंट तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गई INR की अपडेट, और देखिए यहाँ पर AVAX कितना आगे चल रहा है। मेरी ये बाइंग, अगर मेरी पर्सनल बाइंग पूछो तो मैंने ये 1300-1200 के आसपास लिया था, मेरा डबल कुछ हो गया, डबल आई थिंक हो गया मेरा जो AVAX है 2400 के आसपास पहुंच गया। तो आप लोग अपना बताना आप लोग को प्रॉफिट होता है कि नहीं चैनल से, डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट सेक्शन में, एंड मैं आप लोग के रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।